नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम है अनाज मंडी रोड पर, फायर ब्रिगेड रोड कहा जा सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पार्षद गौरव रोहिला अपने वार्ड को सैनिटाइज करते हुए, लगातार वो डेली के डेली सैनिटाइज कर रहे हैं ताकि वार्ड से संक्रमण का खतरा बिल्कुल ही मिटाया जा सके। देखिए, खुद से ही गौरव रोहिला सैनिटाइज करते हुए वार्ड को देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरों में। केमिकल की बूंदे देख सकते हैं आप, सैनिटाइजर मशीन है, केमिकल है, और गौरव रोहिला वार्ड के पार्षद जो लगातार तकरीबन कई दिनों से वो लगे हुए हैं, खुद उनसे ही जानेंगे। गौरव जी, पार्षद हैं, ड्राइवर भी बने हुए हैं, क्या वजह? देखिए, पूरे विश्व के अंदर और साथ साथ हमारे भारतवर्ष के ऊपर और उसके बाद हरियाणा के ऊपर जो इतनी बड़ी वैश्विक बीमारी की जो आपदा आन पड़ी है, तो ऐसे वक्त के अंदर मुझे लगता है कि मैं अपने लोगों के प्रति, अपनी जनता के प्रति, अपने भाईचारे के प्रति और अपने समाज के प्रति कुछ काम आ सकूँ, तो ऐसे दिल में मेरे लगन रहती है कि कुछ ना कुछ करता रहूं। तो रोज़ मेरे मन में कुछ ना कुछ आता रहता है कि कुछ ना कुछ करूं। उसी तो कभी आप सैनिटाइजर मशीन पर चढ़ जाते हैं, कभी आप खाना बांटने जाते हैं, कभी लंगर आप देते हैं। देखिए, आज दो ही चीज़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस प्रदेश और देश को है। एक तो हर वक्त भूखे को भोजन मिले और दूसरी तरफ बीमारी से बचाने के लिए कुछ इलाज संभव हो पाए। यद्यपि ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि कोरोना का सिर्फ एक ही इलाज है कि आप इससे दूर रहें और अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन ये कुछ दवाई का छिड़काव हम करके नगर पालिका से जो सोडियम हाइपोक्लोराइड जो क्लोरीन आया हुआ है उसका छिड़काव करके हम कुछ मात्रा में ये कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कीटाणु है वो बार की बार मार दी जाएं, क्योंकि कोरोना का प्रभाव अभी लंबा छोड़ा, अभी सफेदो और डिस्ट्रिक्ट जीन भी भगवान करे बचा हुआ है और बचा ही रहे हमेशा के लिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बाकी कीटाणु है और कोई बीमारी ना फैले तो इससे छिड़काव करके बचाया जा सके। सैनिटाइजर आप कराते हैं नगर पालिका की ओर से, जो खाना बनता है वो गौरव रोहिला की ओर से या संस्था की ओर से? नहीं नहीं, ना तो सैनिटाइजर गौरव रोहिला की तरफ से, ये एक PI कंपनी है, पेस्टिसाइड की कंपनी है, जिसकी यहाँ पे फर्म है मैसर रामधारी जयप्रकाश, तो उनकी मशीन ये जब जैसे कि आप नजर आ रही है आपको, ये कृषि सिंचाई के उसमें काम आती है, लेकिन फिलहाल कोई सिंचाई का कार्य चल नहीं रहा, तो उनसे मेरी अच्छी मित्रता है, तो मैंने उनसे कल रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मशीन दे दी जाए। तो जो केमिकल है वो आप नगर पालिका से आ गया? केमिकल तो लगभग सरकारों ने हर जगह सभी दफ्तरों दे रखा, नगर पालिका से चला गया है। तो इन लोगों के साथ जो छिड़काव कर रहे थे, अपना स्वयं सेवक की भूमिका निभा के खुद छिड़काव करने का काम कर रहा हूँ। और खाना भी आप बांटते हैं, उसके बारे क्या कहना? उसके बारे में भी जैन स्थानक SS जैन साहब आने मार को ये जैन स्थानक में जगह मुहैया करा दी थी, और मंडी के कुछ प्रतिष्ठित लोग हैं जैसे राजेश जैन जी हैं, उसके अलावा और बहुत से लोग ऐसे जो कहते हैं हम दान दे रहे हैं लेकिन हमारा नाम नहीं आना चाहिए, ऐसे बहुत से लोग गुप्त दान भी देते हैं, तो हम तो आप नाम ले देते हैं फिर भी उनका? तो लेकिन नहीं, मैं उन्होंने मना कर रखा है नाम, लेकिन 5-7-10 लोग मंडी के प्रतिष्ठित लोग हैं, उनकी तरफ से सब लोग मिलजुल के ऐसा कुछ कर रहे हैं खड़ा, और मैं भी वहां भी उनके एक सेवक के रूप में काम कर रहा हूं। आप अच्छा काम कर रहे हैं, सैनिटाइज भी करा रहे हैं, खाना भी बंटवा रहे हैं, तो फिर क्यों लोग कहते हैं कि गौरव रोहिला कुछ मीटर गाड़ी चला के सैनिटाइजर की अपने आप को चमकाना चाह रहे हैं? देखिए, मैं तो कुछ लोगों के बारे में ना तो मैंने कभी सोचा ना कभी मैं उन लोगों को टिप्पणी करना चाहूँगा। मेरे मन में जो करता है, मन करता है वो मैं करता हूँ। लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोगों का काम कहना है, अपने मन में जो आता है वो मैं करता हूँ। मतलब खुशी जो दिल को अच्छा लगता है, जो मानवता के लिए वही आप कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई है कि मैं ऐसी स्थिति के अंदर भी पूरा पूरा दिन अपने घर में नहीं जाता मैं कुछ ना कुछ इस तरीके, क्योंकि मैं कुछ टाइम 2 घंटे के साथ बिताऊंगा, कुछ टाइम मुझे फिर खाने वाला काम संभालना है, तो 2-3 कामों में फील्ड में ही रहते हैं। तो क्या जब आप घर जाते हैं थोड़ी घर वालों को चिंता होती है सैनिटाइजर करने के संक्रमण के बीच रहते हैं लोगों के बीच, तो क्या डर रहता है? घर वालों की चिंता तो ये रहती है, लेकिन वो डॉक्टर जो लोग आज अपनी जान पर खेलकर लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, वो पुलिसकर्मी जो अपने बच्चों को छोड़कर आज सड़कों पर घूमकर लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, वो सफाई कर्मचारी जो अपने बच्चों को छोड़कर आज प्रदेश और देश की सेवा करने में लगे हुए हैं, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से इन तीनों चारों सेवाओं में जितने कर्मचारी लगे हुए हैं उनको दिल से सैल्यूट करना चाहता हूँ, और उन लोगों से प्रेरणा लेकर मेरा भी मन करता है कि मैं भी समाज के काम आ सकूं। उन्हीं की कतार में आप अपना नाम भी लिखवाना चाहते हैं? मैं उनकी कतार में अपना नाम नहीं लिखवाना चाहता, लेकिन उनको सैल्यूट करते हुए उनके मार्गदर्शन को देखते हुए मैं काम करना चाहता हूँ कि मैं भी कुछ करूँ फील्ड में, इसीलिए लगे हुए हैं। बहुत बहुत बढ़िया। मैं चाहूंगा कंचन टीवी के माध्यम से हल्के वासियों को
प्रदेशवासियों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, कंचन टीवी के माध्यम से मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूँ। पिछले कई दिनों से बहुत सी संस्थाएं हैं जो सफीदों के अंदर, लगभग 6-7 संस्थाएं अलग 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 एरिए में, जिनका एरिया बांटा हुआ है, वो भूखे को भोजन देने का काम कर रही हैं। लॉकडाउन का पीरियड लंबा होता चला जा रहा है, क्योंकि एक कैपेसिटी किसी भी दानदाता की कैपेसिटी होती है कि वो 10 रुपये का दान कर सकता है, कोई व्यक्ति 20 रुपये का दान कर सकता है, कोई व्यक्ति 100 रुपये का दान कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये 20-25 दिन का लॉकडाउन जो हो गया है, तो मैक्सिमम जो लोगों की कैपेसिटी थी वो धीरे 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 कम हो जाएगी। सरकार को आगे आना चाहिए, सिवाय इस बात के कि सरकार रोज इस बात का ढिंढोरा पीट देती है कि आज हमने 1000 भोजन के पैकेट बांट दिए, 1500 पैकेट बांट दिए, लेकिन इन पैकेटों के अंदर असलियत में संस्थाएं दे रही हैं। इन पैकेटों के अंदर जो 1500 पैकेट सफीदों के अंदर बांटे जा रहे हैं, उसमें सरकार का किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं है। जो 6-7 संस्थाएं हैं या कुछ लोग बिना नाम के भी भोजन वितरण का काम कर रहे हैं, वो संस्थाएं अपने खुद के खर्चे पर इकट्ठा करके, लोगों से चंदा इकट्ठा करके लोगों को भूखों को भोजन देने का काम कर रही है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि इस काम के अंदर सरकारें भी आ गए हैं। अगर लॉकडाउन बढ़ा तो आने वाले समय में बड़ी भयंकर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गौरव रोहिला जी कहते हैं कि लॉकडाउन में सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी, खाना वितरण करने के लिए उनको आगे आना पड़ेगा, लोगों की सेवा कर, तो वो चाहते हैं कि सभी लोग आए और जुड़ें और से भी सार्थक प्रयास करने को वो कहते हैं। आप देख सकते हैं फिर से वो शुरू हुए हैं और काम अपना लगातार कर रहे हैं। बने रहिएगा आप कंचन टीवी के साथ। कैमरामैन सहयोगी प्रदीप के साथ मैं यशपाल कंचन, कंचन टीवी के लिए।